पेज नंबर 28 निकाल लीजिए बुक में, ठीक है। तो आज हम वायरस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, इन 1983 द टर्म वायरस वाज फर्स्ट कॉइन्ड टू डिस्क्राइब सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स। 1983 में वायरस शब्द का यूज इस्तेमाल पहली बार किया गया था, ठीक है, बाय किसने किया था, बाय फ्रेडरिक कोहेन एंड हिज कलीग लैन एडलेमैन। यानी कि ये दो लोग थे जो कि एक साथ काम करते थे, यानी इसमें लिखा है कलीग वो होते हैं जो एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने पहली बार एक वायरस शब्द का यूज़ किया और इन्होंने एक वायरस बनाया, ठीक है, कह सकते हैं। द बेस्ट मेजोरिटी ऑफ वायरसेस टारगेट सिस्टम रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो जो ज़्यादातर जो वायरस बनाए जाते हैं वो विंडोज को टारगेट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, चाहे वो विंडो 7 हो, 10 हो, 8 हो या कोई भी विंडो हो, तो ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरसेस करंटली कॉज बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ इकोनॉमिक डैमेज ईच ईयर। तो जो कंप्यूटर वायरस होते हैं इनकी वजह से बिलियंस डॉलर का नुकसान हो जाता है हर साल, ठीक है। ड्यू टू कॉजिंग सिस्टम फेल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वायरस की वजह से बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ फेल हो जाते हैं। वेस्टिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज खराब हो जाते हैं, डाटा करप्ट हो जाता है। इंक्रीजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, उनको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट भी लगती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारा बिलियंस डॉलर का नुकसान हो जाता है हर एक साल, ठीक है। तो आगे लिखा है, ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरसेस वर फर्स्ट वाइडली सीन इन द लेट 1980s। 1980s में मींस 1983 से पहला वायरस बना था, आपको बताया मैंने अभी, 1983 में पहला वायरस बना था। लेकिन जब हम उसको काउंट करते हैं तो 1980s बोलते हैं, ठीक है, यानी कि 1980 से वायरस बनने स्टार्ट हुए थे, हम एक कह सकते हैं, ठीक है, 1980s कह सकते हैं। बट कंप्यूटर वायरसेस आर ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स देमसेल्फ। तो जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हुए तो तभी से कंप्यूटर वायरसेस भी उसके साथ ही बनना स्टार्ट हो गए। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट फेमस वायरसेस एंड मालवेयर। तो हम कुछ जो फेमस सॉफ्टवेयर जो फेमस वायरसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो वायरस है इसका नाम है ELK क्लोनर, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं क्या है। अ प्रोग्राम कॉल्ड द ELK क्लोनर वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड स्क्रेंटा फॉर द एप्पल सेकेंड सिस्टम्स, ठीक है। तो ये एक वायरस है, नाम है उसका ELK क्लोनर। किसने बनाया था? रिचर्ड स्क्रेंटा ने। किसके लिए बनाया था? फॉर द एप्पल सेकेंड सिस्टम्स, यानी कि एप्पल के कंप्यूटर्स को डैमेज करने के लिए इस वायरस को बनाया गया था। दिस वाज क्रिएटेड टू इन्फेक्ट एप्पल डॉस 3.3, ठीक है। तो एप्पल और डॉस को इन्फेक्ट करने के लिए, उनमें इन्फेक्शन करने के लिए इस वायरस को बनाया गया था। दीज प्रोग्राम्स स्टार्टेड टू स्प्रेड थ्रू फाइल एंड फोल्डर दैट आर ट्रांसफर्ड टू अदर कंप्यूटर बाई फ्लॉपी डिस्क। तो ये वायरस जो है कैसे फैलता था? फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से फैलता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है। जैसे पेन ड्राइव होती है आजकल, हम लोग
यूज करते हैं पेन ड्राइव, तो पहले होती थी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो उसको क्या, उससे क्या होता था कि हम एक कंप्यूटर से जब दूसरे में लगाते थे उसको, तो दोनों कंप्यूटरों में वायरस पहुंच जाता था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है। फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इसके अंदर सीडी टाइप की लगी होती है, लेकिन ये इस पे चारों तरफ से कवर चढ़ा होता है, ठीक है। ओके, तो ये ईएल की क्लोनर इस तरह से फैलता था फ्लॉपी डिस्क एक्सचेंज करने से, ठीक है। दूसरा बना था ब्रेन वायरस 1986 में। द ब्रेन वायरस वाज क्रिएटेड इन 1986 बाय टू ब्रदर्स, दो भाइयों ने इसको मिलकर बनाया था। उनका नाम था अमजद, दूसरे का नाम था एंड बसित फारूक अलवी। दो भाई थे अमजद और बसित फारूक अलवी, इन दोनों ने मिलकर ब्रेन वायरस बनाया था। दिस वायरस स्प्रेड बाय फ्लॉपी डिस्क, ये भी फ्लॉपी डिस्क एक्सचेंज करने से फैलता था। वाज नॉन ओनली द इनफैक्ट बूट रिकॉर्ड, यानी कि मैंने आपको बताया था जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं, ये पहला बूट सेक्टर वायरस था। वायरस पहला वायरस नहीं था, लेकिन ये पहला बूट सेक्टर वायरस था, ठीक है। नेक्स्ट है लिहाई वायरस, ये कब बना था, इन 1987। द लिहाई वायरस वाज डिस्कवर्ड एट लिहाई यूनिवर्सिटी इन यूएस, तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक यूनिवर्सिटी है लिहाई यूनिवर्सिटी, वहां पे इसको बनाया गया था। द लिहाई वायरस वाज द फर्स्ट मेमोरी रेसिडेंट फाइल इन्फेक्टर दैट अटैक एग्जीक्यूटिवल फाइल्स, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये कौन सी वायरस होते हैं जो एग्जीक्यूटिवल फाइल को इन्फेक्ट करते हैं, वो होते हैं प्रोग्राम वायरस। तो लिहाई वायरस क्या था, एक प्रोग्राम वायरस था, ठीक है, जो कि लिहाई यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, वहां के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था इसको। नेक्स्ट है गेट पासवर्ड 1, ये बना था 1991 में, और ये पहला ऐसा वायरस था जो आपके पासवर्ड को चोरी करता था, यानी कि जब आप पासवर्ड डालते हैं कहीं पे, जैसे किसी भी कोई भी आईडी लॉगिन करने को जब आप पासवर्ड डालते हैं, तो ये वायरस पासवर्ड को चोरी करता था, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्पी 99, तो ये बना था आपका वायरस 1999 में, और ये हैप्पी 99 इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि ये हैप्पी न्यू ईयर पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इससे क्या होता था कि ये वायरस आपके कंप्यूटर पे मैसेज करता था हैप्पी न्यू ईयर, और उसके साथ साथ ये आपके कंप्यूटर का डाटा इरेज कर देता था, इन्फेक्ट कर देता था, ठीक है। तो ये 1999 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट था मेलिसा, मेलिसा वायरस स्टार्टेड इन्फेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बाय सेंडिंग इटसेल्फ टू द फर्स्ट 50 ईमेल एड्रेस इन द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एड्रेस बुक। द फर्स्ट वायरस इज एस्टिमेटेड टू हैव कॉज्ड मोर देन $80 million इन डैमेज। तो मेलिसा वायरस क्या होता था कि ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाता था 50 लोगों को, अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये ऑटोमेटिक 50 लोगों को ईमेल के थ्रू सेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये वायरस काफी खतरनाक था, इसने $80 million का नुकसान किया था पहले साल में, ठीक है, जब ये बना था। नेक्स्ट है कॉम वॉरियर मींस कंप्यूटर वॉरियर। इन 2005 द फर्स्ट सेल फोन वायरस, तो ये वायरस क्या था कि आपके मोबाइल फोन में भी आने लगा था फिर 2005 से। फर्स्ट सेल फोन वायरस वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड कॉम वॉरियर ए। दिस वायरस स्प्रेड बाय टेक्स्ट मैसेज, जो आपके मोबाइल पे SMS आते हैं, ये उस SMS के थ्रू सेंड किया जाता था। अगला था क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो लॉकर इज ए ट्रोजन दैट टारगेट कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो।
तो ये विंडो कंप्यूटर को टारगेट करता है, बिलीव्ड टू हैव फर्स्ट बीन पोस्टेड ऑन द इंटरनेट ऑन 5 सितंबर 2013। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे वायरसेस के नाम सुने होंगे और बहुत सारे वायरस फैले भी हैं। तो अभी एक वायरस फैला था कुछ ही साल पहले, रैनसम वेयर। एक रैनसम वेयर नाम का एक वायरस फैला था जो कि इंटरनेट के थ्रू फैलाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल था। ठीक है, 2016 में ये फैला था। ओके, और ये क्रिप्टो लॉगर था, 2013 में ये बहुत ज्यादा फैला था। चलिए, अवेयरनेस क्या है? रन अ फुल वायरस स्कैन वंस अ वीक। कम से कम एक हफ्ते में आपको अपना कंप्यूटर स्कैन करना है एंटीवायरस की हेल्प से। ठीक है, उसको फुल स्कैन करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके वायरस, वॉर्म्स, स्पाइवेयर, सब सारी चीजें आपके कंप्यूटर से हट जाती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। तो इसमें आपको कुछ मेथड्स बताए जाएंगे जिससे आपको बताया जाएगा कि आपको वायरस से कैसे रिकवर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, यू कैन रिड्यूस द डैमेज डन बाय वायरस बाय मेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ योर डाटा ऑन डिफरेंट मीडिया सच एज पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी। जैसे आपको अगर अपना डाटा सेव रखना है, अगर आपको डर लगता है कि कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आके डाटा को डिस्ट्रॉय ना करे, तो आपको क्या करना है कि उसको बैकअप लेते रहना अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स का, यानी कि दूसरी आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं उसमें सेव रखिए। ठीक है, कंप्यूटर के बाहर या पेन ड्राइव में सेव रखिए या सीडी डीवीडी, इन सब में आप सेव रख सकते हैं डाटा। नेक्स्ट है, मेनी वेबसाइट्स रन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन वायरस स्कैनिंग विद लिमिटेड क्लीनिंग फैसिलिटी। अगर आपको एंटीवायरस नहीं डालना है तो बहुत सारी आपकी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन आपके कंप्यूटर को स्कैन कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ही कम पावरफुल होती है। तो बहुत सारी कंपनीज आपकी ऑनलाइन स्कैन कर लेती हैं आपके कंप्यूटर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, री इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अनदर अप्रोच टू वायरस रिमूवल। इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर कॉपीज ऑफ एजेंसियल यूजर डाटा बाई बूटिंग फ्रॉम अ लाइव सीडी। इससे क्या होता है कि एक जब वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो कई बार क्या होता है कि आपको विंडो दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है, विंडो हट जाती है, आपको दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि आपका डाटा लॉस्ट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि आप विंडो आपको नई डालनी पड़ती है। ओके, टेकी फैक्ट में देख सकते हैं आप लिखा है, इन 1991 सिमेंटेक लॉन्च्ड वन ऑफ द फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम कॉल्ड द नॉर्टन एंटीवायरस टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस वायरस। तो आप कह सकते हैं कि जो पहला कंप्यूटर एंटीवायरस था वो कौन सा था, नॉर्टन, 1991 में ये बना था। ठीक है, और वायरस इसके पहले से बन रहे हैं 1983 से। ठीक है, करीब 8 साल बाद एंटीवायरस बनाया गया। तो इसके बाद हम कल बुक एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपका होमवर्क है, आप बुक एक्सरसाइज को खुद से करिए, उसको सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। थैंक यू एवरीवन।